ओके, सुमित ठाकुर, जय हिंद सुमित ठाकुर, हाउ आर यू सुमित, हाउ आर यू। यस, तो चलिए आज के धमाकेदार सेशन की शुरुआत किया जाए डियर। आज के इस सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे सचिन ठाकुर, जय हिंद सचिन जी, जय हिंद सुमित ठाकुर, जय हिंद। आज का सेशन बहुत महत्वपूर्ण है, पूरे विक्स के सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चंस और साथ में आपको जून से लेकर दिसंबर के सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चंस शामिल हैं जो कि आपके आने वाले सीरियस एग्जामिनेशनों में काफ़ी मदद करेंगे और यही ट्रेंड हमारा रहेगा सभी आने वाले एग्जामिनेशनों में ताकि आप अच्छा कर पाओ। ओके फाइन, ओके अब तो सही है, नाउ इट इज़ फाइन। सुमित ठाकुर आप वीडियो इको नहीं कर रही होगी, ओके चलिए लेट इट बी डिस्कस और स्टार्ट करते हैं सेशन को। सो क्रैक योर सीरियस एपकैट CAPF विद इंडिया लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म, गेट्स प्लस सब्सक्रिप्शंस एंड लार्जेस्ट लर्निंग एंड एक्सेस द अनलिमिटेड लाइव एंड रिकॉर्डेड कोर्सेस व्हाइल द क्लासेस इज मूविंग। आप देख सकते हो बेस्ट एजुकेटर टीम के साथ आप अपने कोर्स को डिजाइन कर पाओगे, फाइन एंजॉय कर पाओगे सेशन को फटाफट। द क्वेश्चन दैट विल हेल्प यू टू एज द डिफेंस एग्जामिनेशन क्वेस्ट, most important weekly current affairs for CDS, CAPF, APCATS, NDA 2021-2022। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये वीकली करंट अफेयर्स है, पूरे वीक में जो आपने पढ़ा है उसका निचोड़ है डियर। ओके, यू कैन यूज माई रेफरल कोड्स AJ Kumar फॉर योर गेटिंग ए सब्सक्रिप्शन, आप इसका प्रयोग कर पाओगे, फाइन। सो लेट्स क्रैक योर डिफेंस एग्जामिनेशन, द डिफेंस एग्जामिनेशन क्वेश्चन। क्या करो सर, 1 मिनट में ग्रुप में सेट कर दूं, ओके फाइन फाइन, सेंड करो हाय रंजीत कुमार कुशवाहा, रंजीत भाई कुशवाहा हाय, वेरी गुड्स। काफ़ी महत्वपूर्ण है डियर, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आपके, पूरे विक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, क्लियर। ये आपकी काफ़ी मदद करेंगे एग्जामिनेशनों में और इन्हीं से क्वेश्चंस आएंगे डियर, इसकी गारंटीज है मेरी। So let's crack your defense examinations, the defense examination quest. So daily live classes में आपका स्वागत है, you can enjoy daily live classes, chat with your educators, engage in discussions and ask your doubts and all answer all while the classes is going on। आप सबों को आंसर करना है डियर, बिल्कुल। I am going to start, so structure courses, all courses are structured lined with your exam syllabus and live test quizzes and unlimited essays you can enjoy। सो आप डाउनलोड करो अनअकैडमी लर्निंग ऐप्स पे, हमारी क्लासेस 7-10 से अनअकैडमी पे भी चलती है, सेम क्लासेस होगी डियर 8-10 में और 8-10 से हमारी पोल होगी 8:40 तक, फाइन। सो यू कैन एंजॉय विथ मी, यू कैन फॉलो मी ओवर टेलीग्राम्स, लेट्स क्रैक डिफेंस एंड इमिनेंट एजुकेटर, इसमें पर्सनल टेलीग्राम पे आप मुझे ढूंढ पाओगे, फाइन। रंजीत भाई कुशवाहा, वी आर गोइंग टू स्टार्ट, डोंट वरी। So you can use my referral codes AJ Kumar for your subscriptions। आप अपने सब्सक्रिप्शन के लिए मुझे AJ Kumar पर सर्च कर पाओगे, फाइन। चलिए डियर, सो वीकली करंट अफेयर्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट। सो ये रहा पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, फाइन। टेलीग्राम चैनल ये हमारा है, लेट्स क्रैक पे आ सकते हो, मेरा पर्सनल भी है, दैट इज एमिनेंट एजुकेटर, ओके। ओके सुमित, एमिनेंट एजुकेटर एंड लेट्स क्रैक, किसी पे भी आप आ सकते हो, फाइन। ओके चलिए, ओके आइए सेशन की शुरुआत किया जाए। काफी लोग नाराज हो रहे हैं सेशन को, सर डिले कर रहे हैं सर। ओके अरे यार एक सेकंड लगा, चलो डियर सेशन को शुरुआत करते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, आंसर करोगे। RBI has launched a digital payment index (DPI) to capture the extent of digitization of digital electronics payment in India. The index comprises of how many parameters? इस इंडेक्स में कितने पैरामीटर्स हैं? रंजीत भाई ने कहा 10 पैरामीटर्स। ओके सुमित ठाकुर ने कहा 7 पैरामीटर्स। ओके एनी मोर्स? See, this is the Reserve Bank of India has launched a digital payment index capture the extent digital electronics having 5 broad parameters. कितने पैरामीटर डियर? तो 5 ब्रॉड पैरामीटर्स हैं। ओके गुड इवनिंग नजमुल, काफी लेट हो गया आपका। सो 5 ब्रॉड पैरामीटर्स है। ओके चलिए, सो मेक योर आंसर। इस बार आज रिपीटेड नहीं होगा डियर, सो आंसर करेंगे 5 ब्रॉड पैरामीटर्स। मीन्स ये एक डिजिटल पेमेंट इंडेक्स बनाएगा ताकि आपके सारे पेमेंट को रिकॉर्ड किया जा सके, और इसके लिए 5 पैरामीटर इन्होंने रखा है। ये क्या क्या है मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। ओके चलिए नेक्स्ट, विच कंट्री हैज बीन चूजन एज द को चेयर ऑफ द IUCN सपोर्टेड एशियन प्रोटेक्टेड एरिया पार्टनरशिप। मीन्स एशिया के अंदर इस एरिया को प्रोटेक्ट करना है, उसके लिए IUCN के साथ कौन पार्टनरशिप के रूप में काम करेगा। ओके इंडिया, मलेशिया, चाइना एंड जापान। फटाफट आइडियाज। आंसर करो। इंडिया, नजमुल ने कहा इंडिया। वेरी गुड नजमुल, बिल्कुल सदा की तरह आपने बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया है इंडिया। ये मैंने पढ़ा रखा है ऑलरेडी, बस आज आपके रिविजन्स हो रहे हैं, आपके मैं सिर्फ क्वेश्चंस करूंगा। नो रंजीत, जापान इज रॉन्ग आंसर। सुमित ठाकुर ने कहा ए। सुमित काइंडली आप लिखना का प्रयास करो इंडिया, क्योंकि एग्जाम में आपको ए याद नहीं रखनी है, एग्जाम में आपको इंडिया याद रखना है। ओके सो ये चीज माइंड में रखनी चाहिए आपको कि आपको हमेशा याद रखना है इंडिया। तो इंडिया ने को पार्टनर्स किया है किसके साथ? IUCN के साथ को पार्टनर किया है। ओके क्योंकि एशिया के अंदर जो प्रोटेक्टेड एरिया उसको प्रोटेक्ट किया जा सके। इंडिया हैज बीन चूजन एज द को चेयर ऑफ द IUCN पार्टनरशिप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस। द इंडियन नेवी हैज साइंड कॉन्ट्रैक्ट विथ विच कंपनी फॉर लाइव एम्प्लीफिकेशंस बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन डेजर्स। ओके लेजर डेजर्स के लिए किस इंडियन नेवी ने किस कंपनी के साथ टाई अप किया है? भारत डायनामिक्स, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, वेल, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग ओरा के, गुड इवनिंग। सुमित ठाकुर ने कहा है हाउ आर यू ओरा। अच्छा ओरा आपके फ्रेंड्स है। नजमुल मंडल ने कहा भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड मींस BEL। वेरी गुड आंसर है आपका नजमुल, करेक्ट आंसर बिल्कुल सही, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। फाइन, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। ओके सो इंडियन नेवी हैज साइंड ए कॉन्ट्रैक्ट विद द भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड टू प्रोड्यूस लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशंस ऑफ रेडिएशन डैजलर्स। इनिशियली एग्रीमेंट हैज बीन साइंड फॉर 20 लेजर्स। कितने लेजर्स के लिए साइन हुए हैं? 20 लेजर्स के लिए। फाइन नेक्स्ट, व्हाट इज द बेस पीरियड शेड फॉर द डिजिटल पेमेंट इंडेक्स बाय RBI। RBI ने एक तो डिजिटल पेमेंट इंडेक्स जो बनाने की बात करा है उसके लिए। जय हिंद मनीष कुमार, जय हिंद आप सबों को, बिल्कुल जय हिंद। गुड इवनिंग मनीष कुमार, गुड इवनिंग्स। ओके सो व्हाट इज द बेस पीरियड सेट फॉर द डिजिटल पेमेंट इंडेक्स। ये पूरे वीक का क्वेश्चन है डियर, March 2017, March 2019, March 2018 and March 2020. जो लोग लिख रहे होंगे उनके लिए मैं रुक रहा हूँ थोड़ा सा. What is the base period set for the digital payment index by RBI? March 17, March 19, March 18 and March 20. नजमुल ने कहा है मार्च 17. मनीष कुमार जी काइंडली आप लिखें क्योंकि आपको एग्जाम में ये याद नहीं रखना है बी और ए और सी, आपको लिखना है बिल्कुल ताकि वो आपको माइंड में सेट हो सके और याद रहे. सो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. मार्च 2018, दिस इज मार्च 2018. आंसर होगा मार्च 2018. ओके, ये आपका बेस ईयर रखा है किसने? DPI के लिए रखा है किसने? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने. ओके, वेरी गुड. इनकी सारे डिस्क्रिप्शन मैं दे चुका हूं. नेक्स्ट आइएगा पीएम मोदी रिसेंटली इनॉग्रेट द नेशनल मेट्रोलॉजी कॉन्क्लेव 2021. द कॉन्क्लेव वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय CSIR नेशनल फिजिकल लैबोरेटरीज ऑन द ओकेजन ऑफ इट्स फाउंडेशन ईयर. मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के किस फाउंडेशन ईयर के उपलक्ष्य में ये कॉन्क्लेव्स को इनॉग्रेट किया है नरेंद्र मोदी ने? 75 नजमुल ने कहा 75. वेरी गुड, आंसर होंगे डियर 75. ओके, 100 स्लाइड्स हैं डियर. आज के डेट में 100 स्लाइड्स को पूरा करने हैं. मलाला यूसुफ अफजाई स्कॉलरशिप एक्ट हैज बीन पास्ड बाय विच कंट्री फॉर द वेलफेयर ऑफ द पाकिस्तानी डायस्पोरा फीमेल? पाकिस्तानी डायस्पोरा के जो फीमेल हैं, ओके, द मलाला यूसुफ अफजाई स्कॉलरशिप एक्ट हैज बीन पास्ड बाय विच कंट्री फॉर द वेलफेयर ऑफ पाकिस्तानी डायस्पोरा फीमेल? जर्मनी, इंडिया, यूनाइटेड स्टेट एंड फ्रांस. जो लोग पूरे वीक्स क्लास किए होंगे उनको ये ज्यादा समझ में आ रहा होगा. सुमित ठाकुर ने कहा यूएसए. 5% इज ऑलरेडी हियर. मनीष क्या है, मंजीश कुमार ने कहा भी. मंजीश काइंडली आप लिखने का प्रयास करें. जैसे सुमित ने लिखा है यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स. नजमुल ने लिखा यूनाइटेड स्टेट. आंसर बिल्कुल सही है, यूनाइटेड स्टेट्स. यूनाइटेड स्टेट्स के कांग्रेस ने इसको पार्लियामेंट के अंदर, सीनेट के अंदर भी पास किया है इसको, क्या कि मलाला यूसुफ अफजाई स्कॉलरशिप फंड होगा. इस फंड के द्वारा जो पाकिस्तानी जो डायस्पोरा है, पाकिस्तानी फीमेल जो है, उनके कामों के लिए, उनको वेलफेयर के लिए, उनको प्रोत्साहित देने के लिए एक फंड दिया जाएगा. चलिए, वेरी गुड. इंडियन आर्मी हैज इंक्ड ए कॉन्ट्रैक्ट विद विच कंपनी टू प्रोड्यूस 12 फास्ट पेट्रोल बूस्ट फॉर सर्विलांसेस एंड पेट्रोलिंग इन पैंगोंग TSO लेक इन लद्दाख. किस कंपनी ने? आपके इंडियन आर्मी है, आपके लिए इम्पोर्टेंट है, आर्मी वाले के एग्जामिनेशन के लिए सवाल काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि इंडियन आर्मी हैज लिंक ए कॉन्ट्रैक्ट विथ विच कंपनी टू प्रोड्यूस 12 फास्ट पेट्रोल बोट्स. मैंने इसको क्लास में कराया भी था. किस कंपनी ने 12 जो है पेट्रोलिंग के लिए, फास्ट पेट्रोलिंग बोट को सर्विलांसेस के लिए लिया है, स्पेशली इन पैंगोंग एरियाज, ताकि चाइना पे पूरी नज़र रखा जा सके. गोवा शिपयार्ड लिमिटेड, कोचीन शिपयार्ड. ओके, आंसर करा है गोवा शिपयार्ड्स. हिंदुस्तान शिपयार्ड रॉन्ग है. इट इज आंसर इज गोवा शिपयार्ड. देख लो डियर, आंसर में लिखा है गोवा शिपयार्ड लिमिटेड टू प्रोड्यूस 12 फास्ट पेट्रोल बोट फॉर सर्विलांसेस. मैंने इसकी क्लासेस कराई थी आप सबों को. विच ऑर्गेनाइजेशन हैज अप्रूव्ड $100 मिलियन लोन फॉर इंडिया टू अपग्रेड पावर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इन बेंगलुरु सिटी? मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये भी है. Okay, which organization has approved $100 million loan for India to upgrade power distribution system in Bengaluru city? Bengaluru city में power distribution system को मजबूत करने के लिए किस organization के साथ tie up हुआ है? या $100 million का लोन देगा किसको? इंडिया को. So that is ADB, Asian Development Bank. किसने दिया डियर? Asian Development Bank. Very good, सुमित ठाकुर ने आंसर करा है, नजमुल ने आंसर करा है. Very good. देखो, जो लोग लगे हैं सीरियस है वो आंसर कर ही रहे हैं. फाइन, आप लोग अपने अपने ग्रुप में सेंड करो डियर. इतनी अच्छी क्लासेस में ये 5 लोग 10 लोग मजा नहीं आ रहा है. ओके, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ जस्टिस ऑफ द कॉमन हाई कोर्ट फॉर द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख? ये काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ है यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख। यानी आप देखो मेरे को ये बताओ कि अभी हाउ मेनी स्टेट्स, कितने स्टेट्स हैं इंडिया के अंदर और कितने यूटीज रह गए इंडिया के अंदर, आप बताइएगा। आप सभी से क्वेश्चन है हाउ मेनी स्टेट्स एंड हाउ मेनी यूटीज इन इंडिया राइट नाउ। पंकज मित्तल रॉन्ग आंसर है। पंकज मित्तल आंसर होगा। नजमुल ने कहा बिल्कुल सही है 28, वेरी गुड। सुमित ठाकुर ने बिल्कुल करेक्ट कहा है 28 स्टेट्स हैं एंड 8 यूटीज हैं, वेरी गुड। इनमें से देख रहे हो डियर, लद्दाख एंड जम्मू JNK को भी यूटी बनाया गया है। इन दोनों के कॉमन जो है कोर्ट्स हैं, उनके चीफ जस्टिस हैं कौन, पंकज मित्तल्स। ओके, जस्टिस पंकज मित्तल्स has been appointed as the new chief justice of the common high court for the union territory of Jammu and Kashmir and Ladakh. Clear? Very good. Now Bajaj Auto is the world first company to cross market capitalization of above 1 lakh crore and thus become the most valuable two wheeler company globally. Where is the headquarter of Bajaj Auto located? सुमित स्किप मत करो, आंसर करो हैदराबाद। इंडियन सोल्जर कॉलोनल नरेंद्र कुमार हु वाज प्रॉपर्ली नोन एज बुल हैज पास्ड अवे। ही वाज अ वेटरन। ये क्या थे, स्टैंड आर्टिस्ट थे, जर्नलिस्ट थे, क्रिकेट प्लेयर थे, माउंटेनर थे। इंडियन सोल्जर कॉलोनल नरेंद्र कुमार, जो इनकी मृत्यु हुई है वो क्या थे, माउंटेनर। बिल्कुल सही है, आंसर है माउंटेनर, बिल्कुल सही। नजमुल बिल्कुल सही। नजमुल का कितना अच्छा जीके करंट अफेयर्स हो गया है, ये इसी वजह से हुआ है। ये रेगुलर लगी रहती हैं, डेली 6 बजे इनको आना है। आज सिर्फ लेट हुई हैं और एक दिन इनकी शायद तबीयत खराब हुई थी, अदरवाइज लास्ट 15 दिनों से लगातार लगी हुई हैं। आज देखो पूरे वीक के एक भी सवाल का जवाब गलत नहीं दे रही है। ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है डियर, ये रेगुलरिटीज ही शो करता है। और सारे इतने इंपॉर्टेंट सवाल हैं कि आपको आ जाएंगे डियर एग्जामिनेशन में डेफिनेटली। मैं वैसे सवालों को नहीं लाता हूं जो आपको बनाने में एंजॉय लगे। द 14th इंडियन साइंटिफिक एक्सपेडिशन टू एटलांटिका वॉज फ्लैग ऑफ फ्रॉम द मोरमुगो पोर्ट रिसेंटली। वेयर इज द पोर्ट लोकेटेड। ये 40 साइंटिस्ट की जो ट्रिप है वो चली है अटलांटिका के लिए। ओके, एक तो रिसर्च करेगी और साथ ही वहां जितने लोग फंसे होंगे रास्ते में उनको मदद भी करेगी। ओके, आंसर करो डियर, गोवा। बिल्कुल सही है, आंसर क्या होगा, गोवा। इसके मैंने क्लासेस लिए थे आप लोगों को। The Cochin and Mangaluru natural gas pipeline has been inaugurated by PM Modi recently. What is the estimate length of this project? इस प्रोजेक्ट का एस्टिमेट लेंथ कितना है? $450। नजमुल ने करा है 450 किलोमीटर। ओरा के ने कहा है 450 किलोमीटर। बस शुरू में 10 लोग थे, अब हो गए सीधे 4 लोग। जो लोग रेगुलर क्लासेस नहीं कर रहे वो नहीं रह पाएंगे इस सेशन में। ओके, सो आंसर इज 450 किलोमीटर, बिल्कुल सही नजमल। हु हैज बीन इलेक्टेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ द ऑल इंडिया चेस फेडरेशन। ऑल इंडिया चेस फेडरेशन का न्यू चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? निनोर्मय राजकोवा, CGS नारायणन, भारत सिंह चौहान और संजय कपूर। वाओ, वेरी गुड नजमुल, आंसर इज संजय कपूर, बिल्कुल सही। सुमित ठाकुर, संजय कपूर, वेरी गुड। ये हुई बात। द टॉय कार्टून 2021 हैज बीन लॉन्च टू डेवलप इंडिया एज अ ग्लोबल टॉय मैन्युफैक्चरिंग हब। टॉय कार्टून 2021 हैज हाउ मेनी थीम्स? इनके पास कितने थीम्स हैं? 7, 12, 9 और 15। Very good, Najmul. Good going, good going. Answer is 9. Fast. Which states of India marks 6 जनवरी every year as the Journalist Day? कौन सा ऐसा राज्य है जो 6 तारीख को 6 जनवरी को एज ए जर्नलिस्ट डे मनाता है? गुजरात, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल और मध्य प्रदेश। डियर ए और बी और सी मत लिखिए बिकॉज इनको याद नहीं रखना आपको। जो लोग अभी अभी जुड़े हैं डियर, आज क्वेश्चन रिपीट नहीं हो पाएगी। सुमित कुमार ठाकुर ने कहा वेस्ट बंगाल, तो मैं कह रहा हूँ सुमित आप गलत हो। नजमुल थोड़ी सी याददाश्त तुम्हारी भी कमजोर होने लगी, ये गुजरात भी गलत है। आंसर होगा डियर महाराष्ट्र। ओके, महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट ऑन 6 जनवरी एवरी ईयर इन द मेमोरी ऑफ जर्नलिस्ट बालाजी जाम्बेडकर की यादगार में ये मनाया जाता है। ओके महाराष्ट्र, वेरी गुड। As per the World Bank, what is the projected GDP rate of India for the financial year 2020-21? ओरा ने बिल्कुल सही कहा है, गुड ओरा। ओरा आपका नाम ही ओरा है क्या? नजमुल ने कहा -9.1। आंसर में है क्या -9.1? नजमुल क्या आंसर में -9.1 है? चॉइस में है? ओए क्या कर रहे हो तुम लोग? आंसर इज -9.6। वेरी गुड, -9.6 ओला ने बिल्कुल सही करा है। सभी कोई आंसर करो, लिखो, ये बी वगैरह मत लिखो, सॉरी। यू शुड हैव टू राइट, क्योंकि वो आपको याद रहेगी। ओके चलिए नेक्स्ट। नेम द फर्स्ट अर्बन कोऑपरेटिव बैंक ऑफ इंडिया टू रिसीव लाइसेंस फ्रॉम आरबीआई टू Transition to a small finance bank. कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। एज ए टीचर्स मैं आपकी गलती को कमेंट करना मेरा अधिकार है। विजय कोऑपरेटिव बैंक। नजमुल थोड़ा सा करेक्ट रॉन्ग हो चुका है, आपका आंसर ये होगा शिवालिक मर्चेंटाइल्स कोऑपरेटिव बैंक SFB। The RBI has introduced the legal entity identifier for all RTGS and NEFT payment transaction made by entities for value of rupees कितना? RBI has introduced the legal entity and identifier for all RTGS and NEFT payment transaction made by entities for value of rupees how much? 50 करोड़। बिल्कुल करेक्ट आंसर 50 करोड़ एंड मोर देन 50 करोड़ का आप अगर ट्रांजेक्शन करते हो किससे? आरटीजीएस से, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट या फिर करते हो नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर के द्वारा अगर करते हो तो आपको एक लीगल आइडेंटिफायर की जरूरत पड़ेगी। और उस लीगल आइडेंटिफायर का नंबर कितना होगा? सुमित गलत हो आप, उनके नंबर में 20 डिजिट्स होंगे। ओके, Which country is developing the world's first wood-based space satellite to combat the growing problem of space debris? कौन सा ऐसा कंट्री है जो लकड़ी का बना हुआ सैटेलाइट्स भेजेगा? नजमुल ने कराया जापान। देखो बहुत तगड़ा कंपटीशन चल रहा है डियर, अभी नजमुल सबसे टॉप पे जा रही है अभी। विश्वालिक सबकल ने कहा चाइना, रॉन्ग हो आप। फ्रांस बिल्कुल रॉन्ग हो, नो आंसर इज योर बिल्कुल सही है जापान। नजमुल टॉप पे जा रही है, सुमित कुमार को फॉलो कर रहे हैं फटाफट। चलिए, इलीगल आइडेंटिटी आइडेंटिफायर इज एट हाउ मेनी डिजिट्स? लीगल आइडेंटिटी आइडेंटिफायर के कितने डिजिट्स नंबर होंगे? ये बेसिकली क्या है आपके ट्रांजेक्शन को? 20। वेरी गुड नजमुल। नजमुल का आंसर आ चुका 20, वेरी गुड। टॉप पे जा रही है नजमुल। What is the estimate GDP growth rate of India in 2021 as per the first advanced estimate of the National Statistical Office NSO? Dear, अगर ये हो जाता NSSO तो नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन ना होके नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन हो जाता। सुमित ठाकुर ने कहा 20, ओके। सुमित पहले जो आंसर करेगा उसे कहीं वो ज्यादा सक्सेस है 8.5 8.5 पे आंसर नहीं है 8.1, इट इज -7.7, ओके बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है नजमुल। Which bank has collaborated with IIT Kanpur to launch the FinTech Innovation Center at its campus? कौन ऐसा बैंक है जो FinTech Innovation Center अपने कैंपस में ओपन करने की बात कर रहा है? फर्स्ट क्वेश्चन में विथ फर्स्ट क्वेश्चन आज जो मैंने पहला क्वेश्चन करा उसमें क्या ओरा यू हैव प्रॉब्लम इन द फर्स्ट क्वेश्चंस। स्टेट बैंक नहीं है, आंसर इज योर पंजाब नेशनल बैंक। Punjab National Bank has partnered with IIT Kanpur and the Foundation for Innovation and Research in Science and Technology। इसका फर्स्ट को याद रखिएगा डियर, शायद आप लोगों ने क्लास के दौरान मैंने आपको कहा था कि फर्स्ट को जरूर याद रखना। ये फर्स्ट का फॉर्मेशन होता है फाउंडेशन ऑफ इनोवेशन एंड रिसर्च इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ओके। लास्ट विच वन, दिस वन। हाँ ओरा बताइए क्या इश्यूज है। अच्छा लीगल आइडेंटिटी वाले में क्या इश्यूज है ओरा, टेल मी द इश्यू। What things is going on your minds? हाँ मैं तो निकाल लिया लीगल आइडेंटिटी वाला, ये भी निकाल लिया। ओके ओके डिफाइन कर दो, ओके फाइन। देखो एक्चुअली क्या है कि जैसे आपने 5 करोड़ से ऊपर का आपने टर्नओवर किया या 50 करोड़ का आपने टर्नओवर हमने किया तो आपको क्या है एक लीगल आइडेंटिफायर देना होगा। मतलब अगर आप इतने से टर्नओवर करने जाते हो बैंकों के साथ तो आपको एक लीगल आइडेंटिफायर देना होगा। वैसा लीगल आइडेंटिफायर जो एक बिग कॉर्पोरेट्स हो, बड़ा कॉर्पोरेट्स हो और जिनको बैंकों के द्वारा एक 20 डिजिट का 20 डिजिट्स का एक LEI कोड मिलेगा। इस कोड ने आपको रेफरेंस देना होगा। अगर आपको रेफरेंस कर दिया तब आपका ट्रांजेक्शन होगा या तो ट्रांजेक्शन नहीं होगा, ओके क्लियर है। जैसे आप मान लो कहते हो ना कि मैं आपको बैंक से लोन निकालनी है 5 × 10⁵ लाख की, तो बोलता है चलो भाई आपको एक गारंटर चाहिए, तो गारंटर चाहिए तो उसी तरह से एक लीगल सपोर्टर चाहिए इतने बड़े ह्यूज अमाउंट को ट्रांसफर करने के लिए। छोटे अमाउंट के लिए नहीं डियर, ये 50 करोड़ एंड मोर देन 50 करोड़ के लिए यू हैव रिक्वायर्ड दिस लीगल आइडेंटिफायर एंड दिस लीगल आइडेंटिफायर इज क्रिएटेड बाय अ बैंक विद अ सर्टेन स्पेसिफिक नंबर दैट इज 20 डिजिट नंबर्स, ओके। एंड दिस मे बी और दिस विल बी द बिग कॉर्पोरेट, जैसे ये हो सकता है टाटा हो, ये हो सकता है बजाज ऑटो हो, इस तरह से बड़े ऑर्गेनाइजेशन हो, क्लियर। चलो Who has been appointed as the chief of Google Cloud Asia Pacific Division? Okay, किसे Google Cloud Asia Pacific Division का chief बनाया गया है? करण बाजवा, अंशु प्रकाश, संदीप पाटिल एंड पुनीत चैंडॉक्स। करण बाजवा, वेरी गुड। देखो मैंने जो क्लासेस किया है रेगुलर वो तो टॉप करेगा ही करेगा, दैट इज करण बाजवा। और डियर ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आप देखना जब आप सीटीएस एग्जामिनेशन में बैठोगे तो ये जून के इंपॉर्टेंट चल रहे हैं, इनके बाद मैं जुलाई कराऊंगा, फिर अगस्त कराऊंगा और दिसंबर तक मैं पूरा करा दूंगा आपके एग्जामिनेशन से पहले तक। और ये 2 राउंड चलेगा। इसके बाद वन लाइनर भी आपको बताऊंगा कि क्या क्या आपको याद रखने हैं। राइट, चलिए। विच स्टेट हैज लॉन्च द कृषि संजीवनी वंस टू टेक लैब्स टू द एग्रीकल्चर फील्ड टू स्टडी सॉइल वाटर सजेस्ट पेस्ट कंट्रोल एंड रेमेडीज। ओके ओरा, नो इशू। अब थोड़ा आप मिस कर गए तो मैं इस वीक तो आपको मदद नहीं कर सकता हूं। अब आने वाले वीक में आप सभी मंडे से रेगुलर हो जाओ। अगर मंडे से आप रेगुलर हो, मंडे टू फ्राइडे आप रेगुलर हो, तो फिर कमिंग सैटरडे को मैं इसी तरह का पोल कराऊंगा। और यार ये मंडे टू जो फ्राइडे क्लासेस चल रही है, इस दिन भी आपके अराउंड 10+ क्वेश्चन जो है वो जून और से दिसंबर के बीच के होंगे। ये भी 10 क्वेश्चन जून और दिसंबर के बीच में होंगे। तो पूरे वीक में अराउंड 60 क्वेश्चन तो आप पा ही लेते हो, और आज कुछ पा लोगे। क्लियर है? फाइन। तो किसने करा है? कर्नाटका ने करा। बिल्कुल सही आंसर है नजमुल का। विश्वालिक सबकल, आपने भी आंसर करा। आपका भी पहला क्लास है। जस्टिस हिमा कोडी has been appointed as the first ever female chief justice of the which high courts? Karnataka, Delhi, Ladakh and Telangana. Okay, very good. But आप answer तो कर पा रहे हो. It is most important. Justice Hima Kohli has been appointed as the first ever female chief justice of High Court of which states? Karnataka, Delhi, Ladakh, Telangana. नजमुल ने आंसर करा है तेलंगाना। बिल्कुल सही है, आंसर इज योर तेलंगाना। देख रहे हो आप, देख लो सुमित, आप देख लो विश्वालिक जी, आप देख लो ओला, ये जस्ट 15 दिन से लगातार रही है नजमुल। सबसे पहले क्लास में आती, आज थोड़ी लेट हुई थी और मुझे बताती सर आप लेट हो रहे हो, और देखो कितना अच्छा कर पा रही है। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द हेड ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट कमिटी टू प्रोटेक्ट द यूनिक लैंग्वेज कल्चरल आइडेंटिटी एंड लैंड ऑफ द लद्दाख? डियर, मैं आज बहुत डिस्कशन नहीं कर सकता, वो तो आपके ओरा के डिमांड पे मैंने कर दिया था आपको आंसर करने। वेरी गुड नजमुल, गुड गोइंग जी। किशन रेड्डी, यस, इट्स अ स्प्रिट दैट आई वांट। द वर्ल्ड फर्स्ट डबल स्टैक लॉन्ग हॉल कंटेनर ट्रेन वाज फ्लैग ऑफ बाय पीएम मोदी रिसेंटली। द ट्रेन विल रन बिटवीन व्हिच स्टेट्स? ये डियर 1.5 किलोमीटर लंबी ट्रेन होगी। महाराष्ट्र एंड बिहार, हरियाणा एंड राजस्थान, जम्मू कश्मीर एंड दिल्ली, तमिलनाडु एंड उड़ीसा। राजनाथ सिंह, दोनों जी किशन रेड्डी होगा। नजमुल ने कहा हरियाणा एंड राजस्थान, बिल्कुल सही है, गुड गोइंग। चलिए, सभी ने आंसर कर दिया। 38 हो चुके हैं। ओके, हरियाणा टू राजस्थान। जस्ट आई एम टेकिंग वाटर। आप सभी कितने लोग ऐसे हो जो 7 फरवरी को एग्जाम में बैठने वाले हो? How many persons are going to sit in the coming examinations? सभी के लिए ये आने वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होगा, और पूरे वीक अभी से लेकर पूरे तक। ओके, तो सभी को ध्यान से सुनना डियर। ये मैं मिर्च मसाला आपको नहीं दूंगा, लेकिन बिल्कुल ही क्वेश्चन दूंगा जो आपके एग्जामिनेशनों में लड़ेगा। और एग्जामिनेशन से जस्ट 5 डेज पहले मैं वन लाइनर भी दूंगा आपको, इम्पोर्टेंट वन लाइनर्स। ओके, जो आपको एग्जामिनेशन में मदद करेगा। जैसे जून जैसे एंड होगा, जून में हम वन लाइनर आपको देंगे, फिर जुलाई में वन लाइनर देंगे, अगस्त में वन लाइनर देंगे, सितंबर में वन लाइनर मिलेगा, अगस्त में ऑन लाइनर मिलेगा। मीन्स ये हर एक 3 दिन के बाद आपको कुछ ऑन लाइनर्स भी मिलेंगे, 10 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन। दोज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, चलो डियर, ये बात जान लो कि अगर आपने जनरल अवेयरनेस सेक्शन में अगर आपने 80 to 90 क्वेश्चन को टच कर दिया, और ये करेक्ट कर दिया तो आपका सिलेक्शन कंफर्म है। क्योंकि मैथ इंग्लिश में तो सभी को एवरेज रहते ही रहते हैं, वो 100% मुश्किल है, बट ये ऐसा सेक्शन है जिसमें आप 100% कर पाओगे। क्लियर है? और मैं आपको बता दूं कि करंट अफेयर्स की जो पोजीशन चल रही है ये मोर देन 30 क्वेश्चंस आते हैं डियर। तो करंट अफेयर्स, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी, ये अगर तीन पोर्शन को आप काफ़ी मजबूत से करते हो तो मैं सीडीएस की बात कर रहा हूँ, इस सीडीएस के एग्जामिनेशनों में आप इन तीन सेक्शनों से 60 मार्क्स आराम से उठा पाओगे इन तीन से। बाकी आपके पास पॉलिटी है, आपके पास साइंस है, साइंस एंड टेक है, इकोनॉमिक्स है, इनको अगर ऐड कर लोगे तो यहाँ से 30 मार्क्स ज़रूर निकाल पाओगे। तो आपको टारगेट होना चाहिए 90 मार्क्स का। तो फर्स्ट पेज में जैसे मैं अन अकेडमी पेज जैसे आते हो तो अन अकेडमी में मैं ये ज्योग्राफी का पोल कराता हूँ। 8:10 से लेकर 8:40 तक ज्योग्राफी की पोल चलती है, जिनमें काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन अभी चल रहे हैं, रिवर चल रहे हैं डियर। इस पोल में आके आप वहाँ से ज्योग्राफी को इन्हांस कर सकते हो। इस ज्योग्राफी के बाद मैं हिस्ट्री कराऊंगा और हिस्ट्री के बाद मैं फिर पॉलिटी कराऊंगा और पॉलिटी के बाद साइंस और साइंस के बाद इकोनॉमिक्स कराऊंगा। तो ये मैं पोल के माध्यम से भी आपके कई सवाल कर पाते हैं। सो आप सब जिनको जिनका वीक है, जो पहले तैयारी नहीं किए हुए हैं, कम से कम पोल में भी आके आप अपना कर सकते हो। और अन अकेडमी पे आने के लिए SPAJ कुमार आप हमारे रेफरल कोड का यूज करोगे डिफेंस सेक्शन में तो हमारी क्लासेस आपको मिल जाएंगे। ओके ओके, आज तो सेम क्वेश्चन चलेगी, आज आने से कोई फायदा नहीं है आपको, सेम क्वेश्चन यहां भी और वहां भी। ओके, आप आना। ओके प्रिया, वेरी बैड प्रिया। चलो, एज पर द लेटेस्ट डेटा प्रेजेंटेड बाय द गुजरात फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, the population of Asiatic lion in the Gir forest of the state had increased in the last 5 years. What is the current number of lion recorded in the states? Monday you will come. Asiatic lion in the Gir forest of the state has increased in the last 5 years. In कितने forest हो गए हैं? तो 674 कितने हो गए डियर? 674 आपके हो गए आंसर। देखो डियर्स, ये मैसिव जंप ऑफ 28 तो कितने से जंप हो गए? 28.87% से लायन के संख्या में जंपिंग हुआ है गुजरात में। ओके चलिए, सो आंसर इज योर 674। करेक्ट करो। हाँ जी प्रिया, कहाँ थे आप? चले, हाउ मच अमाउंट हैज बीन एलोकेटेड बाय द गवर्नमेंट फॉर पर ड्रॉप मोर ड्रॉप कंपोनेंट ऑफ द प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2021। देखो डियर, बजट भी काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो मैं किसी संडे को बजट्स आपको डील कर दूंगा। ओके, पर ड्रॉप मोर ड्रॉप के लिए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के लिए फाइनेंशियल ईयर 2021 में कितना फंडिंग किया गया है? सो इट इज 4000 करोड़। इट इज 4000 करोड़। ओके, सो द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर हैज अनाउंस्ड एन एनुअल अलॉटमेंट ऑफ 4000 करोड़ टू द स्टेट गवर्नमेंट फॉर द पर ड्रॉप मोर ड्रॉप कंपोनेंट ऑफ प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। Clear? Okay. The government has also credited micro irrigation fund of 5000 crore with NABARD for the states. चलिए, M-PES payment system, M-PES payment system India and Mastercard had partnered to launch contactless ATM solution in India. This will make India as the only country in the world to have the contactless ATM. ऐसा ATM जो contactless facility करेगा, इसमें कौन सा रैंक है भारत का? मीन्स इससे पहले पूरे विश्व में कितने कंट्रियों के पास contactless ATMs है? अभी मिश्रा, आप शायद पहली बार आ रहे हो हमारे सेशन पे। सेशन की टाइमिंग को नोट करो डियर, 6 PM से सेशन चलती है और 7 PM तक चलती है। इन सेशनों में मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स होते हैं जो डेली वाले होते हैं, और फिर जून से लेकर हमारी सेशन जो चल रही है जून से लेकर दिसंबर तक के 2020 के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को फॉलो करता हूँ। ओके, so M-Pay's payment system, India's cloud-based solutions, has joined hand with the Mastercard to contactless ATM solution in India in order to mitigate the spread of deadly coronavirus. Under the partnership, Mastercard will help to launch cardless. Okay, India is the only other country to make after USA. मतलब ये इंडिया कैसा हो गया तो सेकेंड कंट्री हो गया। देखो कितना बढ़िया बात है। इससे पहले कॉन्टैक्टलेस एटीएम किसके पास था डियर? यूएसए के पास, अब आ गया है इंडिया के पास। तो इंडिया इज द सेकंड कंट्री, ओके, हु लॉन्च दिस वन, सो मेक इट करेक्ट नजमुल, सेकंड कंट्री। कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप देख सकते हो डियर। इंडिया दूसरा ऐसा कंट्री है जिसने ऐसा काम किया है। चलो फाइन। वॉट इज द ग्रोथ रेट ऑफ इंडियन इकोनॉमी प्रोजेक्टेड बाय द फिच रेटिंग एजेंसीज, या फिट रेटिंग फॉर द फिजिकल ईयर 2021-2022? 9.5, 7.4, 8 एंड 6.2। आंसर इज योर 9.5। ओके, आंसर इज योर 9.5। फिच डियर, FITCR फिच एक रेटिंग एजेंसीज है जो यूएस की रेटिंग एजेंसी है, जैसे मूडीज भी एक रेटिंग एजेंसी है, उसी तरह से फिच भी एक रेटिंग एजेंसी है। ओके, द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ उत्तराखंड हैज रिसेंटली ओपन इट्स बिगेस्ट बायोडाइवर्सिटी पार्क इन विच ऑफ द एरिया? उत्तराखंड ने मीन्स उत्तराखंड में सबसे बड़ा बायोडाइवर्सिटी पार्क खोला गया है। वो किन जगहों पे खोला गया है? ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। पित्तौड़गढ़, रॉन्ग हो गए ओरा जी। अभी मिश्रा ने कहा डी, काइंडली लिखा करो मिश्रा, डी रॉन्ग है। नजमुल हल्द्वानी बिल्कुल सही, नजमुल ने बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया है हल्द्वानी। तो हल्द्वानी डिस्ट्रिक्ट में, नॉट देहरादून, हल्द्वानी। ओके, देहरादून डिस्ट्रिक्ट हुआ, हल्द्वानी प्लेस हुआ। ओके, चलिए। नेम द फर्स्ट यूएस बेस्ड कंपनी टू हिट द मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ 1.5 ट्रिलियन। यूएस की कौन सी ऐसी कंपनी है जिनके पास मार्केट कैपिटलाइजेशन 1.5 ट्रिलियन हो चुके हैं? यूएस की कौन सी ऐसी का ओके, नजमुल इस बार सीरियस कंप्लीट कर रही है डियर, मुझे इतना पता है क्योंकि उनका बाकी चीज भी ठीक है। अमेजॉन, एप्पल, गूगल एंड माइक्रोसॉफ्ट। आप क्यों नहीं आग लगा रहे हो सुमित ठाकुर? आपको किसने मना किया? डोंट टेक अदरवाइज, आप भी रेगुलर रहो। सो टेक जेंट एप्पल मार्केट कैपिटलाइजेशन सरप्राइजेस टू 1.5, सो आंसर होगा एप्पल। प्रिया शर्मा गूगल नहीं, सुमित ठाकुर अमेजॉन नहीं। ओके, सुमित ठाकुर ने कहा ओके, देवेंद्र प्रताप सिंह ने कहा गूगल गलत है, आंसर इज योर एप्पल। आइए, हाई जंपर अलेक्जेंडर शुस्तोव हैज बीन गिवन 4 years बैन फॉर एंटी डॉपिंग वायलेशन। ही रिप्रेजेंटेड विच कंट्री? किस कंट्री के जो हाई जंपर हैं अलेक्जेंडर शुस्तोव को 4 सालों के लिए बैन लगा दिया गया है। किसके लिए? डोपिंग्स ड्रग्स लेने के लिए, सॉरी नार्कोटिक ड्रग्स लेने के लिए, एनर्जेटिक ड्रग्स लेने के लिए। ओके, रशिया बिल्कुल सही है। रशिया ही आंसर होगा, आंसर इज रशिया। वेरी गुड। सोहो जोड़ा इज एन ऑनलाइन नेटवर्क कंपनी टू फैसिलिटेट plasma exchange between recovery patient of COVID-19 and those undergoing treatment of corona infection. सोहो जोड़ा हैज बीन लॉन्च बाय विच कंट्री? सोहो जोड़ा को किस कंट्री ने लॉन्च किया है? सोहो जोड़ा इज एन ऑनलाइन नेटवर्क कंपनी to facilitate plasma exchange between recovery patient of COVID-19 and those undergoing treatment of corona infection. तो ये किस जगह की है? Government of Bangladesh has launched an initiative named Shohojoda, which is an online network facilities. तो आंसर क्या होगा? बांग्लादेश. ओके, आंसर क्या होगा डियर? बांग्लादेश. Shohojoda is an online network company to facilitate plasma exchange between recovery patient of COVID-19 and those undergoing treatment of corona infection. That is, Shohojoda has been launched by which country? That is Bangladesh. Which among the following institutes has topped the Quercus या Q Sanborns वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021? हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, सैंडफोर्ड यूनिवर्सिटी, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, मैस्क्यूट इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी. आंसर आउट हियर, मैस्क्यूट इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स has achieved the top spots. Stanford University, Harvard University, California Institute of Technology and UK University looking to the first 5 position. Okay dear, तो पहली बार है कि Harvard University को क्रॉस करके कोई चैंपियंस बना है आपके एजुकेशन में. India has become the first country in the world to run double stack container train with high reach pantograph in high rise overhead equipments. Territory of which zone of the Indian Railway? Western Railway, Central Railway, Northern Railway and Eastern Railway. किस रेलवे में चलाएगा? अभी आपने देखा था डियर कि राजस्थान से हरियाणा तक ये चलेगी. डबल डेकर ट्रेन है और इनकी लेंथ कितनी है? तो 1.5 किलोमीटर की ये ट्रेनें हैं. ओके, डियर हमारी मोबाइल डिस्चार्ज है इसलिए मैं आपको नहीं देख पा रहा हूँ, बट आप आंसर करते चलो. द इंडियन रेलवे हैज क्रिएटेड ए वर्ल्ड रिकॉर्ड बाय कमीशनिंग द फर्स्ट हाई राइज ओवरहेड इक्विपमेंट एंड सक्सेसफुल रनिंग डबल स्टैक कंटेनर ट्रेन इन द क्लासिफाइड इलेक्ट्रिक स्टेशन ऑफ द वेस्टर्न रेलवे. कौन सा जोन होगा डियर? तो वेस्टर्न रेलवे. किस जोन में डियर? तो वेस्टर्न रेलवे जोन में चलेगी. ओके, द थर्ड फेज ऑफ साउनी इरिगेशन स्कीम. द थर्ड फेज ऑफ साउनी इरिगेशन स्कीम इज प्रपोज टू बी कंप्लीटेड बाय मार्च 2021. द स्कीम बिलोंग टू विच स्टेट? ये स्कीम किस स्टेट से बिलोंग करता है? The third phase of Shawnee irrigation scheme is proposed to be completed by March 2021. The scheme belongs to which states? The Gujarat Chief Minister Vijay Rupani has announced that the phase 2 and phase 3 of the Saurashtra Narmada irrigation, इसको कहते हैं Shawnee scheme, to be set. Answer क्या होगा डियर? गुजरात. ये सारे क्वेश्चन कराए चुके हैं. The technology giants of the world's have come together for an initiative called Project Protect. Career Project Protect to help combat child sexual abuse and exploitations online. Which company will lead the initiative? Facebook, Google, Microsoft एंड Amazons। प्रोजेक्ट देख लो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रोजेक्ट प्रोटेक्ट, ओके, हेल्प कॉम्बैक्ट चाइल्ड सेक्सुअल एब्यूज एंड एक्सप्लॉयटेशन ऑनलाइन, विच कंपनी विल लीड द इनिशिएटिव? आंसर होगा डियर फेसबुक। आंसर क्या होगा? फेसबुक। करेक्ट। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं डियर। Who is the winner of the 2020 वर्ल्ड फूड प्राइज? वर्ल्ड फूड प्राइज के विनर कौन है? Who is the winner of वर्ल्ड फूड प्राइज के विनर कौन है? संजय, राजाराम, रतन लाल, मोटा गुगू, विजय गुप्ता, गुरुदेव खुश। सॉरी हमारे मोबाइल डिस्चार्ज हो गए थे इसलिए मैं आप सबों से डिस्कस नहीं कर पा रहा था, बट नाउ मोबाइल इज ओके सो लेट ऑन डिस्कस। ऑब्वियसली फेसबुक, ओके, नो आइडिया। हु इज द विनर ऑफ 2020 वर्ल्ड फूड प्राइज? कौन है डियर? तो एमिनेंट इंडियन अमेरिकन पैडोलॉजिस्ट, सॉइल साइंटिस्ट रत्न लाल। कौन है डियर? रत्न लाल को वर्ल्ड फूड प्राइज दिया गया है। ओके, विच स्टेट हैज लॉन्च द स्कीम पंचवटी योजना? पंचवटी योजना को किस राज्यों ने लॉन्च किया है? चूंकि डियर ये क्वेश्चन ऑलरेडी हो चुका है तो आप लोगों को मैं नहीं इनकी डिस्क्रिप्शन को करा रहा हूँ। ओके सुमित ठाकुर, सो राजस्थान, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश एंड हरियाणा। तो चीफ मिनिस्टर ऑफ हिमाचल प्रदेश ने इसे लॉन्च किया, हिमाचल प्रदेश। नजमुल, नो उत्तराखंड, इट इज हिमाचल प्रदेश। ओके, नाउ आर्योग पाथ इज ए हेल्थ केयर सप्लाई चेन। काफी इंपॉर्टेंट। आर्योग पाथ इज द हेल्थ केयर सप्लाई चेन पोर्टल लॉन्च टू सर्व मैन्युफैक्चरिंग, सप्लायर एंड कस्टमर बाय प्रोवाइडिंग रियल टाइम अवेलेबिलिटी ऑफ क्रिटिकल हेल्थ केयर सप्लाई। The portal is an initiative of which organization? काफी important है। आरोग्य पथ, ये आरोग्य पथ है, इसे किस मंत्रालय ने इसको लॉन्च किया है? आयुष मंत्रालय, the Council of Scientific and Research, the Council of Scientific and Industrial Research, CSIR ने आरोग्य पथ को लॉन्च किया था। नॉट ओके, नॉट आयुष। ICMR नहीं होगा, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। रॉन्ग है आपका आंसर। स्टारलिंक इंटरनेट सैटेलाइट बिलोंग टू विच कंपनी? स्टारलिंक सैटेलाइट का संबंध किस कंपनी से है? नासा, स्पेस एक्स, ब्लू ओरिजिन एंड इसरो। आंसर होगा डियर स्पेस एक्स। ये सारे क्वेश्चन कराए जा चुके हैं इसलिए मैं नहीं कर रहा हूँ, आपके एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। फेबरी आई इज एन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड थर्मल स्कैनिंग सिस्टम लॉन्च बाय द रेलवे इन विच सिटी टू स्कैन पैसेंजर फॉर कोविड-19 सिम्टम्स? फेबरी आई, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस है, दैट इज फेबरी आई। ये आपको स्कैन कर लेगा ऑटोमेटिकली। रेलवे ने लॉन्च किया है किन जगहों से? सो सेंट्रल रेलवे जोन ऑफ इंडियन रेलवे हैज लॉन्च ए बॉडी स्कैनिंग फैसिलिटी फेबरी आई थर्मल कैमरास एट छत्रपति शिवाजी टर्मिनल्स, मुंबई। CST आपको कह सकते हैं, मुंबई CST, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल्स मुंबई। ओके नजमुल, मेक योर आंसर मुंबई। What is the theme of the World Blood Donor Day 2020? CST Mumbai. Okay. So what is the theme of World Blood Donor Day 2020 का थीम क्या है? Do save if you care. Donate blood, be healthy. Donate blood, be healthy. Save blood, save life. Blood donation, healthy idea. ये काफी important idea है. See, the theme of Blood Donor Day 2023 is Save Blood, Save Lives. It could be promoted with the slogan Give Blood and Make the World Healthier Place. So, save blood, save life. Save blood, save life is the theme of World Blood Donor Day. Catherine D. Sulivan has become the first ever woman to reach the deepest point in the oceans. Which among these is the deepest part of the ocean? समुद्र का सबसे गहरा पार्ट कौन सा है? चैलेंजर डीप, बर्मुला ट्रायंगल्स, गाल्टिया डेप्थ्स and Milwaukee डीप्स. So from the NASA astronauts Catherine D. Sulivan, who became the first American woman to wake in space, has now created another record to become the first woman to reach the deepest point on the oceans. ये 8 जून 2020 को the 68-year-old became the first woman to deepest Earth deepest space after she reaches 10.9 देखो इतना मीटर डीप Mariana Trench in the Western Pacific Ocean. Mariana Trench is the deepest oceans. So आंसर होगा Mariana Trench. Challenger Deep, only 8 peoples will date have reached Challenger Deep. Okay, so आंसर क्या होगा? Challenger Deep. ये Mariana Trench में है. Mariana Trench सबसे गहरा गर्त है, उसका भी सबसे छोटा पार्ट है Challenger Deep. Very good, नजमुल. Who is the current Attorney General of India? अशोक देसाई, मिलन के भंडार जी, मुकुल रस्तोगी, के वेणुगोपालन. अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, महालेखा परीक्षक. ये भारत का फर्स्ट लीगल ऑफिसर होता है. अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया इज द फर्स्ट लीगल ऑफिसर ऑफ इंडिया. ये भारत का पहला न्यायिक अधिकारी होता है. अभी मिश्रा, के वेणुगोपालन. बिल्कुल सही है, के वेणुगोपालन इज योर करेक्ट आंसर. ये तो आंसर सभी को करना चाहिए. द इंटीग्रेटेड फ्लड वार्निंग सिस्टम हैज बीन लॉन्च इन विच सिटी टू प्रेडिक्ट द फ्लड अलर्ट इन एडवांस. किस सिटी में इंटीग्रेटेड फ्लड वार्निंग सिस्टम लगाया गया है? आई फ्लो आपको एग्जामिनेशन में स्लिप दे देगा. आई फ्लो हैज बीन लॉन्चेड इन विच सिटी टू प्रेडिक्ट द फ्लड अलर्ट इन एडवांस. तो इन मुंबई ए न्यू इंटीग्रेटेड फ्लड वार्निंग सिस्टम हैज बीन इंटीग्रेटेड व्हिच कैन प्रेडिक्ट द फ्लड अलर्ट फॉर द सिटी एंड देयरफॉर एनेबल द अथॉरिटी टू टेक ड्यू प्रिकॉशन इन एडवांस. ओके, सो आंसर क्या होगा डियर? मुंबई. सुरेश भट्ट, काइंडली आप जब भी लिखो ना तो आंसर लिखो, क्योंकि आपके माइंड में सी रहेगी. आपको माइंड में डालना क्या है? मुंबई, नॉट सी. अक्षय कुमार, यू हैव टू राइट मुंबई, नॉट यू हैव टू राइट सी. ओके, सो ये सारे क्वेश्चन के लिए टाइम भी आप हमारा हो चुका है. सो लेट्स क्रैक योर डिफेंस एग्जामिनेशन. अगर आपको क्लासेस अच्छा लगा होगा तो लाइक व्यू करना डियर, कमेंट करना क्लासेस अच्छा है क्या, ऐसे में आपका सिलेक्शन संभव है, करंट अफेयर्स में अच्छा कर पाओगे आप. ये हमारा वीकली था. ऐसे डेली क्लासेस हमारी 6 PM पे चलती है, 6 PM to 7 PM, जिसमें मैं फुल डिस्क्रिप्शन के साथ आपको पढ़ाता हूँ. और 7:10 से आप अन अकेडमी में आ सकते हो 8:10 में, जिनमें ये क्वेश्चन होती हैं. और 8:10 के बाद आप 8:40 तक आप पोल में आ सकते हो, जिनमें ज्योग्राफी की पोल चल रही है डियर. ओके ओके, बाय नजमुल. बिल्कुल श्योर पाओगे. थैंक यू सो मच. तो एनीबॉडी वांट टू बिकम विथ एन अकेडमी? ओके प्रिया वाई नॉट कम विथ मी विथ, आप क्यों नहीं आते हो इस पे व्हाट्सएप पे? थैंक यू प्रिया, वाई नॉट यू कम इन व्हाट्सएप विथ मी? एजे कुमार इज माई रेफरल कोड्स, आप इनका प्रयोग करें और सब्सक्रिप्शन को ले। एजे कुमार इज माई रेफरल कोड्स, ओके ओके कम इन माई व्हाट्सएप, तो ताकि मैं आपको लिंक भेज पाता। फाइन, Okay, thank you, thank you. We will meet by tomorrow, okay, at same time. Thank you.